हेलो गाइस, आज मैं आपको बता रही हूँ करेले की सब्ज़ी बनाना। तो इस तरीके से करेले की सब्ज़ी बनाएंगे आप, बहुत टेस्टी लगती है। करेले को हमने इस तरीके से धोकर साफ़ करके गोल गोल काट लेना है। फ्रेंड्स, कढ़ाई में हमने तेल गर्म होने रखा है और इसमें इन करेलों को हमको मीडियम फ्लेम पर तल लेना है। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो इस तरीके से हम मीडियम फ्लेम पर सारे करेले अच्छे से तेल में फ्राई कर लेते हैं। इस तरीके से बने हुए करेले फ्रेंड्स आप आराम से 8 दिन तक भी फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, ख़राब नहीं होते हैं। तो देखिए, हमने मीडियम फ्लेम पर इन करेलों को अच्छे से पलट पलट करके सेक लेना है। देखिए, करेले अच्छे से सिक चुके हैं, तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। अब फ्राई करने के लिए हमने यह थोड़ा सा तेल लिया है और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा जीरा और कटी हुई हरी मिर्च, स्वाद के अनुसार ले लीजिए आप। थोड़ी सी हल्दी डाल दीजिए। प्याज लिए हमने यहाँ कटी हुई दो, इनको हमने प्याज को थोड़ा सा मोटा मोटा लंबा काटा है। आपको इस तरीके से प्याज काटना है, ज़्यादा बारीक नहीं काटना है। नमक डाल देते हैं स्वाद के अनुसार और प्याज को इसको अच्छे से भून लेते हैं। आप पलट पलट करके प्याज को अच्छे से भुनने दीजिए। देखिए, प्याज हमारी अच्छे से भुन गई है, इससे ज़्यादा हमें नहीं भुनना है। अब इसमें हम डाल देते हैं तले हुए करेले और इसमें अब इसके बाद मसाले डालते हैं। धनिया पाउडर है, थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर स्वाद के अनुसार, सौंफ आप इसमें ज़रूर डालिए थोड़ी सी, और इसमें डाल देती हूँ अमचूर पाउडर में थोड़ा सा। ये होममेड अमचूर पाउडर है, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी मैं। इसको अब हम मिक्स कर देते हैं और इसके बाद इसको हम 5 मिनट के लिए फ्रेंड्स हम बस ढक देंगे ताकि हमारे प्याज और करेले अच्छे से मिक्स हो जाए, पक जाए। देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है सारा मसाला प्याज और करेले में। तो अब इसको हम सर्व करते हैं, है ना। कितनी बढ़िया सब्ज़ी करेले की। इस तरीके से आप बनाएंगे तो करेले कड़वे नहीं फ्रेंड्स, मीठे लगेंगे। आप एक बार बनाकर ज़रूर देखिए और मुझे बताइए कि आपको ये करेला कैसा लगा बनाने का। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ।